हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है बीट्स का, वाइब्रेशंस टेस्टिंग दे रखा है। दो ट्यूनिंग फॉक है, दोनों के एक बार साउंड्स करते हैं, 4 बीट्स पर सेकेंड हर्ट की। एक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.96 लेंथ का एक्सोनोमीटर वायर के साथ मैच करती है, और दूसरे की 0.97 के साथ मैच करती है। आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है दोनों फ्रॉक की। क्या करेंगे? सिंपल, एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना बेटा कि n/n+4, तो यानी अब सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम लेंथ, तो वही है। तो कम वाली फ्रीक्वेंसी जो है तुम्हारी n है, और ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी n+4 है। तो 0.96 और 0.97 का रेशियो ले लेना, सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल ले, 384 हर्ट्स आ रही है। तो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा है तो हो जाएगी 388।